लखनऊ से बड़ी खबर, व्यापारियों पर मंडरा रहा है खतरा। सरे बाजार एक दुकानदार को पीटा, आरोपी ने फेंका दुकान का सामान। रमन नाम के शख्स पर लगा मारपीट का आरोप। पटरी दुकानदारों से करता है अवैध वसूली, उबैद नाम के व्यापारी के साथ हुई मारपीट। गाजीपुर थाना इलाके के भूतनाथ मार्केट का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके से आ रही है, जहां मौजूद भूतनाथ मार्केट में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला हो गया। फुटपाथ पर वसूली करने वाले रमन नाम के शख्स ने दुकानदार उबैदुल्ला को जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक आरोपी रमन पटरी दुकानदारों से वसूली करता है और अक्सर मार्केट के दुकानदारों से झगड़ा करता है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी रमन ने बिना किसी बात पर पहले तो उनसे बहस की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल व्यापार मंडल के दबाव में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं व्यापार मंडल ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है। मैं अपनी दुकान में शटर में ताला लगा के अपने घर की तरफ जा रहे थे, इतने में हमने संजय भैया को हमें फ़ोन करना था किसी काम के लिए, हमने फ़ोन किया। फ़ोन करके हम बात कर ही रहे थे तो रमन दुबे नामक व्यक्ति हैं और उनके साथ 10-15 लोग और थे जो फुटपाथ पे दुकान आगे पीछे लगाते हैं। सबने मिलके यही पिंक बूथ के पास हमें एकदम घसीट घसीट के मारा है और एकदम लातों कोसों से मारा है और उसके पिंक बूथ पे रिकॉर्डिंग कैमरा भी लगा है। अगर आप चाहे तो उस रिकॉर्डिंग को निकलवा के भी देख सकते हैं कि किस तरह हमको मारा गया और मार के मेरा गिरबान पकड़ के हमें थाने तक लाया गया। ये थाने तक लाने वाले भी यही सब लोग थे जिन लोगों ने हमें मारा। भूतनाथ के एक व्यापारी उबैदुल्ला साहब हैं, हाँ, इनको अभी ये दुकान अपने बढ़ा के जा रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने इनको रोक करके 15-20 लोग थे, उन्होंने इनको मारा पीटा है और इनकी दुकान पे हल्का फुल्का जो है सामान वामान फेंकने का और तोड़ फोड़ करने का काम बंद दुकान पे बाहर से किया है। उसी संबंध में आज हम लोग अभी गाजीपुर थाने पर आए हैं और यहाँ पर ACP महोदय भी आए हैं। इसके पहले हम लोग कमिश्नर साहब को भी ये शिकायत दे चुके थे और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एक मुकदमा अभी हम लोगों ने तहरीर दी है और उस पर शायद लिखने की कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही उस पर लिख जाएगा। यदि नहीं लिखा जाएगा तो व्यापार मंडल उस पर आगे अपनी आंदोलन की यूनिट बनाएगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।